जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन ने आज जेएनयू में मोदी द क्वेश्चन नाम से एक स्क्रीनिंग वीडियो, एक मूवी, शॉर्ट मूवी दिखानी थी, जिसको लेकर रात को 9 बजे का टाइम दिया गया था। लेकिन उससे पहले ही जेएनयू प्रशासन ने मीडिया की एंट्री बंद कर दी और जो लोग जा रहे हैं उनको भी चेक कर करके जाने आने दिया जा रहा है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति को पूछा जा रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चेक करने के ही आने जाने दिया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स भी अंदर से आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप अंदर से आए हैं। जी, मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं कैंपस से आ रहा था, कैंपस में कहीं भी लाइट नहीं है। मूवी स्क्रीनिंग कराने का जो जेएनयूसी ने कॉल दिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने ना दिखाने की रिक्वेस्ट की है, वो एक तरफ है, लेकिन कैंपस में सारी जगह लाइट काट दी गई है। अगर कोई स्टूडेंट के साथ मिसहैप हो जाता है, जैसे मैं अभी आ रहा था गाड़ी पे, कौन स्टूडेंट है कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। पूरे कैंपस में लाइट नहीं है, मुझे अपनी पीएचडी की पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी तक में लाइट नहीं है। अगर कुछ हो जाता है मिसहैप तो इसका जिम्मेदार कौन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमने पिछले समय भी देखा है, जब भी जेएनयू में इस तरह का कोई अटैक होता है तो यहाँ लाइट काट दी जाती है। ये क्या तरीका है? किसी यूनिवर्सिटी में लाइट काट देने का सबसे पहला तो मतलब ये होता है कि आप सारे रिसर्च वर्क को रोक रहे हैं। बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटेशनल सेंटर हैं जिसको आप बंद कर रहे हैं। मैं खुद एक रिसर्च स्टूडेंट हूं, मैं समझता हूं क्या प्रॉब्लम है। रात में आप रीडिंग रूम नहीं बन सकते। आपने एक रिक्वेस्ट किया जेएनयूसी से, जेएनयूसी ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, उस सवालों के आप जवाब दें और मूवी स्क्रीनिंग अगर होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, एक क्वेश्चन है। लेकिन आप लेकिन सवाल यही है कि और स्टूडेंट क्यों इस पर सफर करें? अगर स्क्रीनिंग होनी है नहीं होनी है जेएनयू प्रशासन और जेएनएसयू का मतलब मसला है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी के विवेक थे, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो क्यों सफ़र करें? क्योंकि उन्हें लगातार वहाँ पर, अभी जैसे उन्होंने बताया, अंदर लाइट बंद कर दी गई है ताकि स्क्रीनिंग ना कर सके, सुरक्षा की जा रही है। लेकिन वही जेएनएसयू स्टूडेंट जो है वो स्क्रीनिंग करने पर अड़े हुए हैं, उसी की वजह से ये लाइटिंग बंद कर दी गई है ताकि लाइटिंग ना हो। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अंदर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी मौजूद है, अगर मोबाइल से भी स्क्रीनिंग करने की कोशिश की गई, मोबाइल पर भी दिखाने की कोशिश की गई, तो उनको भी वहाँ रोका जाएगा। तो जेएनएस जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन ने जो स्क्रीनिंग का आज जो कॉल किया था वो अब नहीं हो रहा है और उसकी वजह से जेएनएसयू में इस समय जवाहरलाल नेहरू जेएनयू में पूरा अंधेरा छाया पड़ा है, लाइटिंग काट दी गई है। कैमरामैन अजय के साथ विनय सिंह, न्यूज 24 दिल्ली।